हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आज हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी जो आज हम पढ़ते हैं और यूज़ करते हैं, उसका जो ग्रोथ और एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। तो हम इसको बहुत ब्रॉडली तरीके से जानने के लिए क्या क्या करेंगे, पहले एथेंस के बारे में जानकारी लेंगे, फिर जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे जिसमें सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल के जो योगदान है उसको, फिर क्या क्या अरिस्टोटल क्लासिक पॉलिटिकल थ्योरी में किस तरह के राज के बात किए गए हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी के बाद मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का क्या योगदान है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आखिर याद होता क्या है उसको देखेंगे, उनका क्या योगदान है 16th सेंचुरी में और क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। अब उसको क्लैरिफिकेशन करने के बाद फिर हम आ जाएंगे कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, जो आज के डेट में हम जैसे जॉन रॉल्स जो है, ब्रायन बेरी और ये जो डेविड हेल्ड, बहुत ही जो है उनको सारा का जानने के लिए। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। तो हम जानते हैं पॉलिटिकल थ्योरी जो है बहुत ही आज के डेट में बहुत ही ज़रूरत है सभी को जानने के लिए, कि हर चीज़ को हम थ्योरी से रिलेट करते हैं। और ये थ्योरी का अगर हम देखे जाएं तो ये एंशियन ग्रीक जो सारे कुछ, अगर कोई भी चीज़ विकिपीडिया आप खोलेंगे तो हर जगह आपको ग्रीक वर्ड दिखता है, यानी कि कोई भी चीज़ का वर्ड का इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट जो है ग्रीक, यानी कि एथेंस में, एंशियन ग्रीक में हुआ है। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है इवॉल्व वेस्ट से ही होता है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है, तो ग्रीस हम जानते हैं आज के डेट में, और वहाँ से ही सारा का सारा जो उद्गम हुआ है। तो ग्रीस में ही क्यों हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहते हैं कि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी, वहाँ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। एजुकेशन जो है, अगर हम सुक्रेट्स की बात को देखते हैं तो जो है उन्होंने बात किया है कि नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज हैप्पीनेस। तो नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो किसी कोई भी चीज़ वर्च्यू नहीं हासिल कर सकते और हैप्पीनेस नहीं होगा। तो हैप्पीनेस यानी कि उन सबके पीछे नॉलेज का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो नॉलेज कहाँ से आया? तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम देखते हैं कि एक राज जिसके बिना किसी को कुछ मिल नहीं, हासिल नहीं हो सकता, तो हासिल कैसे हुआ? तो वहाँ पे जो राज थे, अगर हम पुराने जो क्लासिकल थ्योरी से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं और क्लासिकल थ्योरी के टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी कि एक गुड लाइफ हो, यानी कि एक राज के अंदर सबसे बड़ा हो गुड लाइफ हो, सबको जस्टिस मिले, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, यानी कि समाज में सभी बराबरी हो, सबको बराबर का पैसा मिले और योगदान हो और सब सारे जगह हैप्पीनेस हो। तो ये सारे के सारे जो चीज़ हैं, ये प्लेटो के और अरिस्टोटल के थॉट में आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसको हम जानने के लिए सबसे पहले क्या है कि उस समय स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ? तो दोस्तों स्टेट का ओरिजिन हम जानते हैं कि हर जगह कंट्रोल जो टेरिटरी है कहीं ना कहीं से कंट्रोल होता है, और स्टेट का जब यहाँ पे स्टेट होते हैं तो सारे जगह जो टेरिटरी में कुछ लोग रहते हैं और वो अपना एक कंट्रीब्यूशन यानी कि टैक्स जो है देते हैं राज को, और राज उसी टैक्स से सभी को जो है कोशिश करता है कि जस्टिस प्रोवाइड करे और हैप्पीनेस प्रोवाइड करे और एक अच्छा लाइफ दे सके। लेकिन अगर हम उस समय की बात करते हैं तो अगर हम भूल नहीं सकते हैं जो पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था, यानी कि स्पार्टन ने जो है ग्रीक पे विजय प्राप्त किया था, और विजय प्राप्त किया तो उस समय एक नया कॉन्सेप्ट आया कि पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के ऊपर जो पावर, क्योंकि अगर पावर किसी के पास स्टेट है तो वो दूसरे स्टेट के ऊपर जो है हमला करके उसको मिला सकता है। तो उन सारे विषयों को अगर हम एक तरह से अगर हम अंदर में अगर हम पिरोएं तो हम क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब तो आपने किया ही नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, और जो है आप लोग इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप इनकरेज कर सकें मुझे और भी वीडियो जो हम डाल सकें। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को जानने के लिए। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी आपसे पूछे कि कौन से क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के हैं, तो अब कभी नहीं भूलिए सुक्रेट्स, सुक्रेट्स का जो स्टूडेंट था वो प्लेटो, प्लेटो का स्टूडेंट अरिस्टोटल, ये तीनों ग्रीक फिलोसफर जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में, जो कि क्या बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं और हैप्पीनेस की बात करते हैं। ये सारे लोग जो है इन तीनों तीनों चीज़ की बात करते हैं। वो स्टेट में एक चीज़ बोलते हैं, कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सभी लोगों के बारे में, रिच जो है ज़्यादा रिच नहीं हो और पुअर बहुत ज़्यादा पुअर नहीं हो। अगर रिच से हम कुछ ले रहे हैं तो वो पुअर को डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर ऐसा है कि रिच का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो ऐसा नहीं कि सारे चीज़ बेनिफिट हम रिच को ही दे दें, तो वहाँ पे एक अच्छा स्टेट नहीं हो पाएगा।
जो एक्टिविटी और रिलेशनशिप की बात किया जाए, तो वहाँ पे सबसे पहले जो होता है रूलिंग, जो आर्ट ऑफ रूलिंग होता है, जो स्टेट जो रूल करता है, जो पावर, जो किंग है जो रूल करता है, वो वेलफेयर, एजुकेशन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करता है। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में दोस्तों सबसे पहले ध्यान रहे, एक वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया है और रिलीजन को काफ़ी फ्रीडम थी ताकि वो हर प्रैक्टिसेस जो भी जीना चाहते हैं, बिलीफ, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, उसको यूज कर सकें। तो अगर ये सब सब कुछ होगा तो एक सोशल क्लास मेंटेन हो जाएगा, और जब सोशल क्लास मेंटेन होगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ कोई भी सुपीरियर नहीं होगा, कोई भी इंफीरियर नहीं होगा। और तो सुपीरियर और इंफीरियोरिटी की भी बात होती है वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम देखेंगे कि जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस और इक्वालिटी। तो जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं और प्लेटो की बात करते हैं, जब वहाँ से उन्होंने जो अपना लॉ का जो लिखा बुक, तो उसके बाद फिर जो नेचुरल लॉ का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो दोस्तों अभी तक नेचुरल राइट्स ही चल रही थी, लेकिन ये नेचुरल लॉ के बीच बीच में योगदान करना जो है प्लेटो का योगदान है उसमें। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही डेमोक्रेसी को डिफाइन किया गया, डिक्टेटर को डिफाइन किया गया, जहाँ पे एक राजा होता है और सब प्रजा सबको उनको मानना पड़ता है। एक रिपब्लिक होता है जिसमें सभी को अधिकार होता है, जितने भी पब्लिक होते हैं सभी को अधिकार होता है। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी में राजा जो होता है अमीर होता है और सिर्फ अमीर लोग को ही प्रेफरेंसेस देता है, अमीर लोग ही रूल करते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। मोनार्की होता है जहाँ पर परिवार का कोई भी एक सदस्य जो सभी लोगों को रूल करता है। एनार्की होता है जिसमें कि वहाँ पे डिसऑर्डर होता है पूरे स्टेट में और जो पावर जिसके हाथ में होता है, नॉर्थ कोरिया इज एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो उस तरह का एक ऑर्डर होता है जिसमें पब्लिक को कोई राइट्स नहीं दी जाती है और सारे लोग जो है सिर्फ राजा को फॉलो करते हैं। तो ये सारे के जो है वो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कस किया गया है, जिसमें उनको ऑर्डर कैसे, ऑर्डर मेंटेन किया जाए, बैलेंस किया जाए, इक्विलिब्रियम जो की बात करते हैं, स्टेट में स्टेबिलिटी कैसे हो, हारमोनी कैसे मेंटेन किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ ही दोस्तों एक और टर्म जो जो आई थी, कॉन्फ्लिक्ट, एनार्की, स्टेबिलिटी और रेवोल्यूशंस भी आई, क्योंकि ये सब सारे चीज़ जो होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लिबर्टी हो तो डिसिप्लिन स्टेट नहीं हो सकता है, जो कि प्लेटो का मानना था और प्लेटो से एरिस्टोटल पे गया, ताकि जो है उन्होंने सारे अपने थियोरिटिकल जो है चेंजेस किए। तो अगर हम क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो गवर्नमेंट है ये सारे के सारे फॉर्म हैं, और उन सब गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए लॉ, सिटीजनशिप और जस्टिस को डिफाइन किया गया है। चलिए आ जाते हैं ग्रोथ और एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। तो हम ग्रोथ और पॉलिटिकल एवोल्यूशन थ्योरी में तो क्लासिकल को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उस क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के परस्पेक्टिव में हम जानते हैं कि प्लेटो क्या क्या करता है। प्लेटो आइडियल स्टेट की बात करता, एक आदर्श राज की बात करता, जहाँ पे सब लोग खुश हों, सबको उसके अकॉर्डिंग से सारे कुछ मिले। और जहाँ तक एरिस्टोटल की बात करते हैं तो एरिस्टोटल के थॉट में आपको देखेंगे गुड कंडक्ट की बात करती है, यानी कि यहाँ पे सिटीजन्स का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि सिटीजन जब सुक्रेट्स जो प्लेटो के टाइम में उन्होंने कहा था कि लिबर्टी, फ्रीडम जो है सभी को देना चाहिए, लेकिन एरिस्टोटल जो है वो लिमिटेड रूप में प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि एक्सेस लिबर्टी जो है स्टेट को जो है वो डिमोलिश ना कर दे, जो आइडेंटिटी स्टेट का है। अब यहाँ पे देखेंगे सुक्रेट्स का जो सबसे पहले की बात है, जो सबसे पहले जो सुक्रेट्स का है, वो सुक्रेट्स का जो है सबसे पहले उन्होंने वो अपना जितने भी चीज़ किए थे वो क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू किए थे। हर चीज़ को जानना चाहते थे, लोग हैप्पी क्यों हैं, पावर क्या है और ब्यूटीफुल क्या है, हर चीज़ को उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया अपने मेथड के थ्रू, तो वो उसी के आंसर के थ्रू वो जानते हैं। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में क्रॉस एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायलॉग के थ्रू शुरू होता है और लोगों से बातचीत करते हैं और उससे जो हासिल करते हैं। और अगर हम एगस्टाइन की बात करें तो सिटी ऑफ गॉड, यानी कि सिटी ऑफ गॉड को आप जानते हैं कि एक सिटी जहाँ पे मतलब सभी लोग खुश हों, भगवान का जो उस पर एक बना रहे, और इस तरह से। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारे चीज़ जो है बात किए गए हैं दोस्तों। और अब आते हैं हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए है ना दोस्तों। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के लिए अगर हम देखें क्या क्या चीज़ सबसे पहले जो जो कॉन्सेप्ट थे वो इंक्लूड किए, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल की बात करते हैं कि हर चीज़ एक स्ट्रक्चर में हो, राज है और गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, सोसाइटी है, सिटीजन्स हैं, वो सभी एक स्ट्रक्चर में होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन जो है, स्टेट जो है, अगर स्ट्रक्चर में नहीं होता है तो वहाँ पे अपहेवल होना चाहिए।
साइंटिफिक की बात की है कि जो भी चीज़ पहले थॉट हो चुकी थी अब उसको साइंटिफिक प्रूव करने की बात है कि हर चीज़ अगर हम देखा जाए स्टेट के अंदर अगर हैप्पीनेस है तो वो कैसे लाया जाए, स्टेट को पावर चाहिए तो क्यों पावर चाहिए, तो ये सब सारे चीज़ जो है साइंटिफिक अप्रोचेस के अंदर डील हुए हैं। पॉजिटिव अप्रोचेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, मतलब ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो है प्रमोशंस की बात की गई, सोसाइटी में एक हैप्पीनेस हो, आइडियल स्टेट भी हो वो भी चलता रहा। एम्पीरिकल नेचर की बात करते हैं, एम्पीरिकल मतलब ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस, जो आप फर्स्ट हैंड जो रिपोर्ट जमा करते हैं, यहाँ पर जितने भी थ्योरी डेवलप हुए हैं वो सारे प्रूफ किए गए और सारे के सारे थ्योरी को वो जा करके हर स्टेट से हर सोसाइटी से लोगों को वहाँ पर अप्रोच करके और तब ये किया। सोसाइटी के बिहेवियर को जाना गया, स्टेट के बिहेवियर को जाना गया कि क्यों बदलता है। अगर एक स्टेट जो है एक हैप्पी स्टेट आइडियल स्टेट से पावरफुल बनने की तरफ एनार्की की तरफ अगर डेमोक्रेटी से एनार्की की तरफ जा रहा है तो स्टेट का बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, और जब स्टेट एनार्की की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे सोसाइटी का बिहेवियर कैसा होगा, वो सोसाइटी कैसे चेंज करता है या एडजस्ट करता है उसको जानते हैं। तो दोस्तों पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस में मार्क्सिस्ट का भी काफ़ी योगदान है, क्योंकि जो पहले जो क्लासिकल थ्योरी में बात किया गया है यहाँ मार्क्सिस्ट थ्योरी इन अप्रोच करती है, क्योंकि सोसाइटी कैपिटलिस्ट अप्रोचेस की तरफ बढ़ रही है, यानी कि पावर का कॉन्सेप्ट जो स्टेट में है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण पैदा कर रहा है, और स्टेट जो है जो देखा जाए तो वेलफेयर की तरफ से वो पावर की ओर बढ़ रहा है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी दोस्तों ये 15 से 16 जो है वो 16th century में हम देखेंगे कि एक लिबरल जो फॉर्म अप्रोच होता है लिबरल जो में, और ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन जो है स्टार्ट होता है, वो सारे कुछ ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन भी आप वेस्टर्न कंट्री में होता है, क्यों, क्योंकि एवोल्यूशन जो होता है एक्सप्लॉयटेशन स्तर तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था राजों का, और किंग का जो सोसाइटी जो है एक वेलफेयर की तरफ से जो है अपना चेंज कर रही थी। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ एडवोकेट्स कर रहे हैं, जो कि कुछ कुछ मेरियम की बात कर रहे हैं, की टू डेल का क्लासवेल और इंस्टन जो है वो उन्होंने क्या क्या चीज़ पे बात किया था। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखा जाए तो वो उन्होंने उन्होंने फोकस किया ये सारे चीज़ को कि प्रेजेंट रैदर देन द पास्ट, आप प्रेजेंट को देखिए पास्ट को मत देखिए, आज जो लिविंग को देखिए कि क्या स्टैंडर्ड है, जो पहले के डल थे उसको मत देखिए, इमीडिएट को आप देखिए, रिमोट को मत देखिए, ऑब्जेक्टिव रैदर देन सब्जेक्टिव, यहाँ पे एनालिटिक की बात की गई रादर देन फिलोसफी को, आप सब चीज़ को एनालाइज करें, एक्सप्लेन करें ना कि डिस्क्राइब नहीं करें। तो यहाँ पे सारे चीज़ प्रोसेस ओरिएंटेड थे, ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं पर्पस ओरिएंटेड नहीं थे। तो साइंटिफिक हम जैसे ही बात कर चुके हैं रादर देन थियोरेटिकल। अब आइडिया बिहाइंड द मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, अगर हम क्या आइडिया था मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, तो सबसे पहले बात करेंगे कि वेस्टर्न लिबरल जो डेमोक्रेटिक थॉट थे वो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से हर थ्योरी में नॉक करना शुरू कर चुके थे, यानी कि सब जगह विराजमान थे। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ को जोर किया था, उन्होंने एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मेजरेबल ऑपरेशन और वैल्यू थ्योरी की बात की सब जगह। कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों, अगर उसको आप लिखने जा रहे हैं तो आप उसको टेस्ट करना पड़ेगा हाइपोथेसिस के कि वो सही है या नहीं है, और वो उसको स्टडी करने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, ताकि आप सोसाइटी के बिहेवियर जो ह्यूमन बिहेवियर को हम जनरलाइज कर सकें कि कैसे चेंजेस हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे जब जो सब्जेक्टिविटी गिव्स वे टू ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि अब जब सब्जेक्टिविटी से ऑब्जेक्टिव हमको रास्ता दे रही है तो वहाँ पे फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जो भी चीज़ पहले बात किए जा चुके थे वहाँ पे इंटरप्रेटिव होना शुरू हो रहा है, और ये सारे चीज़ जो पहले स्लाइड में बात किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। फैक्ट को इम्पॉर्टेंट किया गया, वैल्यू को वहाँ से जो है फैक्ट और वैल्यू दोनों को अलग से सेपरेट करके रखे गए, और जहाँ पे फैक्ट को रेलेवेंट है, यानी कि आप रियलिज्म के थ्योरी के ऊपर पढ़ रहे हैं, क्या रियलिस्ट है आज के डेट में, क्या इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को आगे चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो हम एक चीज़ बताएंगे आपको दोस्तों कि वाट इट इज़ रिकार्डेड एज मोर इम्पॉर्टेंट, आज भी क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट से है जो कि वाट इट वॉज, जो पहले क्या था। तो आप ध्यान रखिए व्हाट इट ऑट टू बी और कुड बी, माय डियर फ्रेंड्स, यू नो क्लासी जब क्लैरिफिकेशन हम करना जा रहे हैं अगर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की, तो आप मार्क्सिस्ट अप्रोच को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उनको डायलेक्टिकल मटेरियलिस्ट भी कहा जाता है और साइंटिफिक सोशलिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है,
क्यों कहा रहा है सोशलिस्ट स्टेट में यूएसएसआर, आप जानते ही हैं दोस्तों, जहाँ पे 1917 में रेवोल्यूशन आया। क्यों आया था? क्योंकि मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा शोषित थे, जो अपर क्लास और अपर रिच थे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सारे पैसा जो है शोषण करके वो कमा रहे थे, और यहाँ पे जो होता है एक डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत ज़्यादा पड़ चुका था। और उस कंडीशन में क्या होता है, एक जनरल लॉज ऑफ मोशंस को जो डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि अगर लॉज नहीं होंगे तो एक्सप्लाइटेशन जरूर होगा दोस्तों। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए, तो अगर हम क्लैरिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे डेवलपमेंट फ्रॉम ए लोअर स्टेज यानी कि ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट की बात होती है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर में। कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट जो चेंजेस करने की बात की गई है, और सोशलिस्ट से कम्युनिस्ट अप्रोचेस की बात की गई है। तो अब दोस्तों, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अप्रोचेस में आप बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अप्रोचेस में बहुत ज़्यादा है। सोशलिस्ट में जो होते हैं रिच नहीं होते हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कम्युनिस्ट में क्या होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल जस्टिस होता है, यानी कि सभी लोग को बराबर ही दिया जाता है। अगर कोई रिच है तो उससे लेकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये सब सारे जो सिस्टमेटिक जो हैं इस चीज़ को हम आगे करने के लिए, तो अब आगे देखते हैं कि क्या है कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। आज का जो कॉन्टेम्प्रेरी यानी आज के समाज जो जो है वो किस तरह के थ्योरी को सब्सक्राइब कर लिया है ना दोस्तों, कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे जो फिलोसफर हैं हम जानते हैं, अब बैरी बुसान है भी है आपका, बैरी बैरन ब्रायन बैरी है, जॉन रॉल्स है, जॉन प्लैटर्स हैं, जो कि हम उन्हीं थ्योरी को स्पेशली जो लिए हैं कि जो कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन और जो पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है, किस कॉन्सेप्ट में, प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूशन में, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो इन्वेस्टिगेट किया है। अगर हम इस चीज़ के बारे में फिर देखेंगे, तो जॉन रॉल्स जो है वो अपने बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने क्लियरली एनार्की स्टेट और यूटोपियन की बात की है। उसमें क्या बात की है कि कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कैन सॉल्व मैनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि आज का जो थ्योरी है कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी वही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर जॉन की बात करते हैं, तो आप देखते हैं एम्पिरिकल एनालिसिस जो है रिफ्लेक्शंस ऑफ ए लॉजिकल एंड मोरल कैरेक्टर कैन को एग्जिस्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी। अगर एम्पिरिकल एनालिसिस हो रही है और यहाँ पे लॉजिक और मोरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि लोगों का सोच जो है जिस तरह से, वो उसी को लेकर के बातचीत यहाँ पे हो रही है दोस्तों। आगे अगर हम देखेंगे, तो कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में डेविड हेल्ड के कंट्रीब्यूशन को हम नहीं साइडलाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में डेविड हिल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही सबसे पहले एग्जामिन किया, और उन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सारे के सारे को एनालाइज करने के बाद उन्होंने उनको फिर रिवाइटलाइज किया। रिवाइटलाइज करने के बाद उन्होंने नया एक जो उद्गम दिया कि सोवर्निटी की भी एक कॉन्सेप्ट होती है, डेमोक्रेसी और जस्टिस भी को डिफाइन किया, क्योंकि ये सारे जो स्टेट का जो अगर बिहेवियरल चेंज होता है तो वो डिपेंड करता है सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी और जस्टिस पे। मॉडर्न पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में उन्होंने डिस्क्लोज किया, एग्जामिनेशन किया और रिकंस्ट्रक्शन किया। और ये मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में अगर आप देखेंगे कि सारे जो ये कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में जो चेंजेस मॉडर्न से कहीं ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे रिवाइटलाइज हो रहा है, और यहाँ पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो पहले किए गए थे तो वो सारे अभी जो है फिर पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए किया गया। इन्होंने क्रिटिक किया सारे भी, जितने भी फाउंडेशन को उन्होंने क्रिटिक किया, पोर्ट मोस्टनीज और लिबरिस को डिफेंड किया, तो लिबरिस डिफेंडर को किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर उन्होंने एलिब्रेट किया सिस्टमेटिक मॉडल को, तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हुआ थ्योरेटिकल इकोनॉमिक से हुआ, रैशनल चॉइस से हुआ, एक रैशनलिटी के यानी आपको हुआ, गेम थ्योरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है दोस्तों। सारे के सारे इन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किए वो फॉरेन जो है मॉडल ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस से हुआ। ये सब सारे वीडियो जो बनाने के लिए कुछ कुछ जो है बुक्स हैं एंड्रयू हेवर्ट की, ओपी ग्वाबा की, इग्नू की, और ये सब रेफरेंसेस किए गए हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कहूँगा कि आपने मेरे वीडियो को देखा पूरा, और कमेंट कीजिए, इम्प्रूवमेंट कीजिए ताकि और भी चेंजेस किए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर भी कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, ताकि फिर से नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर आ सकूँ। धन्यवाद।